हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ थ्रेड क्लास देखेंगे। आने वाले कुछ ट्यूटोरियल्स में भी देखेंगे। एक्चुअली इसी ट्यूटोरियल में सारे मेथड्स दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ थ्रेड क्लास। ओके, सो सबसे पहला मेथड हमारा है वॉइड स्टार्ट, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बट टॉपिक वाइज अभी हम लोग देखने वाले हैं। सो वॉइड स्टार्ट क्या करता है? दिस मेथड इज़ यूज टू बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ अ थ्रेड, यानी कि ये एक थ्रेड के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। द JVM कॉल्स द रन मेथड ऑफ द थ्रेड इन विच दिस मेथड इज कॉल्ड। JVM इस मेथड के सॉरी JVM इस थ्रेड के रन मेथड को इन्वॉल्व करता है और उसको रन करता है, ठीक है, जहाँ आप इस स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको कॉल करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के मतलब वो जो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस क्लास के अंदर जो भी रन मेथड होगा उसको इन्वॉक करके उस रन मेथड को रन करता है, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल में देख लेते हैं, इससे कि और बेहतर तरीके से डेफिनेशन हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल वही पुराना है, हम लोगों ने देखा हुआ है, बस मैंने यहाँ लूप को 5 से 2 कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने क्लास माई थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड पब्लिक पब्लिक वाइड रन और फॉर लूप लिखा हुआ है। इसमें मैंने सिंपली प्रिंट किया हुआ है चाइल्ड थ्रेड, और यहाँ मैंने एक मेन क्लास मेरा है पब्लिक गीकी सोज पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन माई थ्रेड टी इक्वल न्यू माई थ्रेड, ठीक है। ये जो माई थ्रेड है, ये जो मैंने अपना एक थ्रेड डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ डिफाइन हो रहा है ये थ्रेड, याद रखिएगा, ठीक है, और यहाँ क्रिएट हो रहा है, ओके, और यहाँ स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो आपने डिफाइन किया यहाँ अपना थ्रेड, और यहाँ आपने इसका जॉब लिखा हुआ है, ओके, रन मेथड के अंदर आप जॉब लिखते हैं। उसके बाद मेन क्लास में हम लोगों ने माई थ्रेड को क्रिएट किया हुआ है, इसके लिए मेमोरी एलोकेट किया हुआ है, ठीक है, ये जो है ये जो है ना, इसके लिए मेमोरी एलोकेट किया हुआ है, ठीक है। ओके, सो माई थ्रेड टी इक्वल न्यू माई थ्रेड ये लिखा आपने। अब टी डॉट स्टार्ट लिखा हुआ, टी डॉट स्टार्ट मतलब इसका मतलब ये है कि आप इस माई थ्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं, माई थ्रेड को आपने स्टार्ट किया, आप स्टार्ट मेथड का कॉल कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ, इसके ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि माई थ्रेड ऑब्जेक्ट के साथ। इसका मतलब ये है कि आप माई थ्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप माई थ्रेड को स्टार्ट करते हैं, इसलिए माई थ्रेड के अंदर जो भी रन मेथड है वह इन्वॉक होगा JVM के द्वारा और वह एग्जीक्यूट होगा, ओके। देन ये हमारा फोर लूप है जिसकी जो कि मेन थ्रेड के अंदर है। याद रहे कि यहाँ एक मेन थ्रेड ऑलरेडी मौजूद है और इस मेन थ्रेड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है ये मेन मेथड, ओके। ओके गाइस, सो इसको अगर आप रन करेंगे, आई होप कि ये जो स्टार्ट मेथड हमारा कॉन्सेप्ट है ये अभी तक क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। स्टार्ट मेथड क्या करता है? इस ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास के रन मेथड को इन्वॉक करता है, या और उस क्लास के यानी कि उस थ्रेड को बिगिन करता है, स्टार्ट करता है उस जैसे कि यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है, ये माय थ्रेड का ऑब्जेक्ट है, तो ये इस थ्रेड को स्टार्ट करेगा, बिगिन करेगा और उसके अंदर के रन मेथड को इन्वॉक करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, क्लियर है आई होप। नाउ इसको रन कर लेते हैं। सो जब आप रन करेंगे तो आपको मेन थ्रेड चाइल्ड थ्रेड मिलेगा, लेकिन ये आउटपुट जो है कुछ भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही आउटपुट मिले, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा रन करेंगे तो मे भी आपको दूसरा आउटपुट मिल सकता है। देखिए अब की बार चाइल्ड थ्रेड ऊपर आया और मेन थ्रेड नीचे, इसीलिए इसका आउटपुट आपको कुछ भी दिखाई दे सकता है, बिकॉज ये थ्रेड पर काम कर रहा है। इस वजह से हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट था स्टार्ट मेथड। आई होप कि स्टार्ट मेथड आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।